कुसुम, आजा मेरी राजकुमारी, आजा। कुसुम आओ बेटा, बस मारी पास। दादाजी मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलने बेटा। वो बात मेरे और डैनी के बारे में। शायद फैसला लेने का वक्त आ गया है। कलिका, कुसुम क्या छे? वो मुझे पता नहीं काकी, मुझे मैं कमरे में से तैयार करने आई थी तो तुम अचानक बिना बोले कुछ चले गए। हाँ वो कह रही थी कि वो दादाजी से कुछ जरूरी बात करना चाहती है। बापूजी के पास? कहीं कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। बेचारी कुसुम। डैनी का है? नजर नहीं आ रहा। गलत फूल लेकर आया था तो मैंने मार्केट भेजा उसे फूल लाने के लिए। वैसे जो तुम सोच रहे हो वो दादाजी भी सोच रहे हैं। अब तुम मुझ पर भरोसा करोगी ना? पर क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि अगर हम मतलब अगर हम दोनों शादी कर ले तो कुसुम डैनी के साथ आगे बढ़ पाएगी? कुमार, सरस, वो भाभी का फोन आया था कि बापूजी की तबीयत अचानक। इनकी हार्ट में काफी ब्लॉकेज है, जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? विद्या चतुर्जी, आपने अभी तक इनका इलाज क्यों नहीं करवाया? क्योंकि इन्होंने किसी को नहीं बताया कि ये सचमुच बीमार है। विद्याचरण जी आइए, मैं आपको इनके ट्रीटमेंट के बारे में बता देता हूँ। आइए डॉक्टर साहब। आपने अपने पार्टनर को भी धोखा दिया। अगर मुझे पता होता ना तो डैनी और कुसुम को पास लाने के लिए भी आपसे ये नाटक नहीं करवाता मैं। अब समझा असली नाटक कौन कर रहा था। लेकिन काम तो मैं तेरा ही पूरा कर रहा था ना बेटा। दादाजी आप इस बात को मजाक में मत डालिए। आपने क्यों नहीं बताया कि आप सचमुच बीमार हैं? तुझे सबक सिखाने के लिए। तू ये समझ रही थी ना कि सुई का डर दिखा के मेरी चोरी पकड़ ली तूने? आपको कुछ हो जाता तो? अरे कैसे कुछ हो जाता? अरे कुसुम और डैनी का गृह प्रवेश देखना है,
तेरा और सरस का लगन कराना है। अब इतने सारे जरूरी काम निपटाए बगैर अब्बे माँ भी मुझे इस दुनिया से छुट्टी नहीं देंगी ना। आपने मुझसे ये बात छुपाकर खेल के रूल्स तोड़े और मेरा दिल भी, मैं आपसे बहुत नाराज हूं। कलिका जी, कुसुम ने बापूजी से क्या कहा? वो मुझे कैसे पता होगा क्या कहा? पर जब वो उन्हें बताने जा रही थी तब तू ही थी ना उसके कमरे में, कुछ तो तुम्हें बताया होगा। देखो अब हम सब तुम्हें अपने घर का हिस्सा मान चुके, डरो मत और बताओ मुझे। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप कुसुम को नहीं बताएंगे कि मैंने आपको बताया। हाँ, वो दादाजी से कहने गई थी कि वो डैनी के साथ घर प्रवेश नहीं करना चाहती। ठीक, वो डैनी की पत्नी बनकर उसके साथ नहीं रहना चाहती। हे भगवान, जिस बात का डर था वही हुआ, इसलिए बार बार समझा रही थी उसे कि समझदारी से काम लेना। आखिर में उसने मनमानी कर ही ली। काकी, अब तो खुश है ना तू? देखा, तेरी जिद के कारण क्या कर दिया तूने अपने दादाजी के साथ। मां, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। हम तो तुम्हारे दुश्मन हैं। तू जाके सब कुछ बता दिया उन्हें, चाहे फिर उन्हें कुछ भी हो जाए। मां, पर मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैं सब जानती हूँ कुसुम, प्यार से, सख्ती से, हर तरीके से समझाने की कोशिश की तुम्हें, पर नहीं। मैं सरस को पाने की जिद और अब डैनी से शादी तोड़ने की जिद, बस अब बहुत हो चुका। तेरे कारण अगर तेरे दादाजी को कुछ हो गया ना, तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। जाओ, अब भी जाकर दादाजी से माफी मांगो और कहो कि तुम गृह प्रवेश के लिए तैयार हो। पर मां, इसी वक्त। मेरी और सरस की शादी आपने तय कर दी है, ये आप मुझे कब बताने वाले थे? तुझे किसने कहा कि मैं? डॉक्टर ने आपको बोलने से मना किया है, इसलिए आप सिर्फ सुनेंगे। दादाजी, मैं जानती हूँ कि ये फैसला आपने डैनी और कुसुम के भले के लिए किया है। हम दोनों यही चाहते हैं, पर हम सब जानते हैं कि कुसुम के मन में क्या है। मेरी और सरस की शादी से उसे और चोट लगेगी। दादाजी, मुझे तो बोलने के लिए मना किया है। मेरी तरफ से मेरे पार्टी के सरस्वती चंद्र व्यास बोलेंगे। दादाजी कुमुद ठीक कह रहे हैं, मैं कुमुद से शादी करना चाहता हूं, पर हालात की वजह से नहीं। इसलिए क्योंकि मैं कुमुद के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। और आप ही कहते हैं ना कि अगर आपके दिल मिले हो, रिश्ता सिंदूर और मंगलसूत्र का मोहताज नहीं होता। कुमुद और मेरा दिल एक था, एक है और हमेशा एक ही रहेगा। इसलिए कुसुम को चोट पहुंचाकर हम दोनों अपनी शादी की शुरुआत नहीं करना चाहते। जब
कुसुम और डैनी एक दूसरे को अपना लेंगे उसी दिन हम तो दादाजी सूरज ढलने को है मेरा गृह प्रवेश नहीं करवाएंगे सच कहा है किसी ने कठपुतलियों से ज्यादा इंसानों को नचाने में मजा आता है खास करके तब जब सबके पांव एक दूसरे में उलझे हों।